कार बनाने वाली फोर्ड 7,000 नौकरियां खत्म करने जा रही है। ये ग्लोबल लेवल पर वर्कफोर्स का 10% है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि वो हजारों नौकरियों को खत्म करेगी। फोर्ड के मुताबिक नौकरशाही खत्म कर हर एक मैनेजर को रिपोर्ट करने वाली कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना से उसे $60 करोड़ सालाना की बचत होगी। कंपनी के इस कदम से अमेरिका में करीब 2,300 नौकरियां खत्म होगी। इसमें 1,500 कटौती पहले ही की जा चुकी है। करीब 500 कर्मचारियों की छटनी इस हफ्ते होगी। कर्मचारियों को दिए नोटिस में CEO जिम हैकेट ने कहा कि रोजगार में ज्यादातर कटौती 24 मई तक पूरी हो जाएगी। वहीं फोर्ड अब सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी कर रही है। वितारा ब्रिजा, ह्युंडई वेन्यू को टक्कर देने के लिए फोर्ड कंपनी नई SUV लाने की योजना बना रही है। फोर्ड ने इस सब 4 मीटर SUV को BX744 कोड नेम दिया है। यही नहीं, फोर्ड इंडिया ने भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ टाई अप किया है। इसे लेकर ऑटो इंडस्ट्री में हलचल है। खबर यह है कि दोनों कंपनियां साथ मिलकर नए ऑटो मार्केट को उतारने की योजना बना रही है। फोर्ड 5 साल में भारत में $1 अरब का निवेश करेगी। फोर्ड महिंद्रा के साथ मिलकर जो SUV बनाएगी उसके साथ एक छोटी SUV भी लॉन्च की जा सकती है जो फोर्ड इको स्पोर्ट की जगह लेगी। इसके साथ ही दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल विकसित करने पर भी काम कर रही हैं, जो फिगो प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। फोर्ड 3 नई SUV अगले साल भारतीय बाजार में उतार सकती है। इनकी कीमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर फोर्ड बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करने वाली है।